हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DTG यानी कि दार्जिलिंग टूर गाइडलाइन। मैं कैलाश देवान यहाँ के एक लोकल गाइड हूँ और मैं आपको यहाँ का टूर गाइडलाइन प्रोवाइड करता हूँ। और आज फिर मज़ेदार वीडियो के साथ मैं आपके पास वापस आया हूँ। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दार्जिलिंग साइट सीन के बारे में, हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। अब जब भी दार्जिलिंग घूमने आते हैं, आपको बताया जाता है 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 5 पॉइंट, 7 पॉइंट्स या मिक्स पॉइंट, और आप भी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें, क्या क्या हम कवर कर सकते हैं और कौन सा पॉइंट करने में अच्छा रहेगा। तो इस वीडियो में हम पूरा बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक कीजिए, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उन लोगों के पास भी हमारा मदद पहुँच सके। नंबर वन, थ्री पॉइंट्स में आपको टाइगर हिल यानी कि सनराइज़ के लिए दिखाया जाएगा, और उसके बाद बतासिया लूप जो वॉर मेमोरियल है, और उसके बाद घूम मोनेस्ट्री आपको दिखाया जाएगा। और ये मॉर्निंग पॉइंट है, आपको 4 से 4:30 बजे तक आपको निकलना होगा और 7, 7:30 तक आप ये थ्री पॉइंट्स कवर कर सकते हैं। नंबर टू, टू पॉइंट्स, इसमें आपको रॉक गार्डन और गंगामा पार्क दिखाया जाएगा, जो कि ये डे ट्रिप रहेगा। इसमें आपको 1.5 आवर टू 2 घंटे आपको लग सकता है, और आपको ये दिन में करना होगा। और ये अच्छा पॉइंट है कि आपको नेचुरल व्यू, वाटरफॉल्स, छोटा सा जो रिवर है, आपको ये सारे दिखने को मिल जाएंगे, और आप बोट राइडिंग भी गंगा मैया पार्क पे कर सकते हैं। थ्री, फाइव पॉइंट्स में आपका कवर होगा जापानीज टेम्पल, पीस पगोडा, आवार्ड गैलरी, ड्रुक चोलिंग मोनास्ट्री और धीरदान टेम्पल जो स्टेशन के नीचे है, और ड्रुक चोलिंग मोनास्ट्री जो उसे डाली मोनास्ट्री भी कहा जाता है, और ये भी डे ट्रिप है, आपको दिन में ही कवर करना होगा। नंबर फोर, सेवन पॉइंट्स में आपको कवर होगा जूलॉजिकल पार्क, हिमालयन माउंटेन इंस्टीट्यूट जो उसके अंदर है, उसे HMI भी कहा जाता है, और रोपवे जो इसका 1.5 घंटे लगेंगे आपको इस राइड के लिए। शायद ड्राइवर इसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं, वेटिंग चार्ज। और उसमें आएगा म्यूजियम, जो ये भी जू के अंदर ही आपको मिलेगा, और उसमें कवर होगा टी गार्डन जो आपको चित्र है उसमें दिखाया जाएगा, और टिबेटन रेफ्यूजी सेल्फ हेल्प सेंटर, अगर आपको कुछ हैंडीक्राफ्ट देखना है, वो सारे चीज़ आपको टिबेटन रेफ्यूजी सेंटर में आपको मिल जाएगा। मिक्स पॉइंट, हालांकि ये पॉइंट में नहीं था, लेकिन इसे मिलाया गया है, जो सारे आपको जो पॉइंट्स है वो मिक्स होगा। मिक्स पॉइंट आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें कवर होता है जापानीज टेम्पल, पीस पगोडा, जूलॉजिकल पार्क, हिमालयन माउंटेन इंस्टीट्यूट, म्यूजियम, टी गार्डन, टिबेटन रेफ्यूजी सेल्फ हेल्प सेंटर। आप ड्राइवर के साथ बात करके आप रोपे भी कर सकते हैं, आप में इसको नेगोशिएट करना पड़ेगा। ड्राइवर आपको एक्स्ट्रा चार्ज, वेटिंग चार्ज ले सकता है, और इसमें तेंजिंग रॉक, टी गार्डन सारा कवर हो जाएगा। और ये 7 पॉइंट्स और 5 पॉइंट्स से अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पॉइंट्स कवर हो जाता है। और अगर आप एक दिन में ही सारा दार्जिलिंग का टूर कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप एक दिन में अर्ली मॉर्निंग में आप 3 पॉइंट्स यानी कि टाइगर हिल, घूम मोनेस्ट्री, बतासे लूप जो आपको 4 से 7:30 बजे तक कवर हो जाता है, और उसके बाद आप 2 पॉइंट्स भी कवर कर सकते हैं, रॉक गार्डन, गंगामा पार्क साथ में कर सकते हैं, और बाद में आप कोई भी पॉइंट्स कर सकते हैं। अगर आपको मिक्स पॉइंट अच्छा लगता हो, तो आप मिक्स पॉइंट के साथ ये 2 पॉइंट्स और 3 पॉइंट्स कवर कर सकते हैं। आपको ये सुबह से शाम तक 5 बजे तक सारा कवर हो जाता है। हालांकि इसमें आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगा, अगर आप पैकेज में करेंगे थोड़ा सस्ता पड़ेगा, लेकिन आप एक दिन में टाइगर हिल 3 पॉइंट्स, एक दिन में 2 पॉइंट्स, और एक दिन में अगर मिक्स पॉइंट करेंगे तो इसमें ज़्यादा कॉस्ट आएगा। अगर एक ही दिन में सारे कवर करेंगे तो आपको सस्ता मिलेगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। आपने आप दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन लोगों के पास भी हमारा मदद पहुंच सके, और हम लाखों के मदद के लिए हम आगे आ सके। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ मैं फिर आपके पास वापस आऊँगा। सिर्फ आज के लिए गुड बाय।